तो क्या है भाई लोग, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी कठिन रहा क्योंकि आज दोपहर से बारिश हो रहा था, तो इस वजह से हम लोगों को कॉलेज में से भी आने में लेट हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं कॉलेज से, और अभी हम लोगों का इधर खाना बन रहा है। आप लोग देख सकते हैं, ये दाल चावल हम लोगों का चढ़ा दिए हैं दाल, और अभी चावल बनेगा क्योंकि हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स का यही एक रामबाण होता है, दाल चावल। जल्दी से बनाओ और काम ख़त्म करो, खाओ पियो। और इधर अश्विनी भी काम कर रहा है, और मैं भी, ये मेरा पोर्ट्रेट वर्क है इधर, ये रहा, तो मैं भी अभी इसको स्टार्ट करूँगा। और बाकी एक बार आप लोगों को अश्विनी काम दिखा दे। ये इधर काम कर रहा है, क्या बना रहे हो, किस चीज़ का? लॉर्ड बुद्धा। अच्छा, लॉर्ड बुद्धा का ये स्कल्पचर बना रहा है म्यूरल में। और बाकी का ये मेरा बड़ा बोर्ड है, ये पड़ा हुआ है, इस पर कंपोजिशन करना है। और इधर मेरे कुछ मटेरियल्स रखे हुए हैं, और इधर ये पोर्ट्रेट वर्क मेरा चल रहा है। अभी आप लोगों को इसका रेफरेंस भी दिखाऊंगा। और जो भी गलतियां हों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें और काम को और बेहतर कर सकें। तो आइए चलते हैं और थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि अभी दाल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इतने हम लोग काम करते हैं। सो दोस्तों, अभी मेरा पूरा सेटअप रेडी हो चुका है काम करने का। मैं यहाँ पर बैठ कर काम करूँगा, और ये मेरा वर्क भी है। और लाइटनिंग के लिए इधर मैंने एक ट्यूबलाइट लगा रखा हुआ है, ताकि अच्छे से मुझे कलर वगैरह पोर्ट्रेट पे अच्छे से लाइट पड़ सके, ताकि मैं देख सकूं कैसा वर्क कर रहा हूं। और उसके बाद इसमें मेरे कलर्स हैं, ऑयल कलर, और ये मेरा ब्रश है, ये कपड़ा है, इसमें मेरा लिंसिड ऑयल है, और इधर टर्पेंटाइन है धुलने के लिए, और ये एक प्लेट है जिसमें वर्क करूँगा, और ये रहा वर्क। और बड़े ब्रश के साथ साथ मैं छोटे ब्रश का भी यूज़ करूँगा, जैसे कि ये राउंड ब्रश हो गया, फ्लैट ब्रश, छोटे ब्रश, क्योंकि आइज़ वगैरह बनाने के लिए मुझे छोटे ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, बड़े ब्रश से नहीं हो पाएगा। तो आइए चलिए वर्क स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक दिक्कत ये भी है जो स्टूडेंट्स बाहर रहकर पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों को इन्वर्टर कनेक्शन सिर्फ एक बल्ब से मिलता है, ये रहा बल्ब। और पेंटिंग वगैरह करने के लिए इससे पर्याप्त लाइट नहीं हो पाता है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा लाइट इसी वजह से लगाना पड़ता है। और अभी लाइट चला गया है तो मेरा काम रुक गया है, ये दिक्कत है एक, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अभी लाइट आएगा फिर हम वर्क स्टार्ट करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी तक मेरा थोड़ा वर्क हुआ है, क्योंकि इस सब कलरिंग वगैरह ऑयल कलर में बहुत ज़्यादा टफ होता है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मुझे उतना अच्छे से आता नहीं है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं सीख जाऊँ। और अश्विनी का वर्क आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग देख सकते हैं अभी कम्प्लीट नहीं हुआ है, कम्प्लीट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, मज़ा आ रहा है करने में बाबू। तो दोस्तों, काम करके अभी मैं थक चुका हूँ, काफ़ी देर हो गया है काम करते करते, और अभी हम लोगों का खाना भी रेडी हो चुका है, और ये खाना चौकी पे लग गया है तख्ते पे, तो अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं। इधर दाल चोखा, और इसमें है चावल, और अभी हम लोग दाल भात चोखा खा के फैल जाएंगे। इसीलिए भाई रात को चावल मत बनाया करो, ठीक है ना, नींद आने लगता है। सो गाइस, एक थरिया दाल भात चोखा खा के अभी पेट एकदम फुल हो चुका है, और दाल भात चोखा खाने के बाद नींद भी बहुत बढ़िया आने लगता है। पता नहीं यार क्यों हम लोग दाल चोखा बना लेते हैं दाल भात। एह, कल से दाल भात नहीं बनेगा, ठीक है ना भाई। यार सच में एकदम मतलब नींद आने लगता है, एकदम ख़तरनाक वाला नींद आ रहा है, हाँ नशा हो जाता है एकदम। तो अभी थोड़ा देखते हैं, काम करने का मूड बना तो करेंगे, नहीं तो फिर सोएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चलो सोते हैं यार, ऐसे तो काम बंद कर, सो सुतो सुतो।